Okay, so now we will discuss on a very important criteria in optimization problems. So today our topic is linear programming, formulation and techniques. Basically, in linear programming problems, there are two types of ways to solve the optimization problem. One is graphical method and second is simplex method. So today in this session, we will consider only graphical method to how to solve the linear programming problem by using graphical method. So basically, linear programming is an optimization strategy used for solving the problems for maximizing or minimizing the linear objective functions subject to linear constraints. Important is that if we have only linear constraints, then we can use the linear programming problems. So a linear programming problem comprises of constraints equations, which may be equalities or inequalities. So in practical problems, whenever, जैसे मान लीजिए हम कभी भी कोई भी चीज परचेज करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले शॉपकीपर हमारे से ये पूछता है कि आपका क्या बजट है ना? क्योंकि मान लीजिए हमने कार खरीदने जाना है, तो सबसे पहले हमारे क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि भाई ये मेरा कॉस्ट है, इससे ऊपर मुझे कार नहीं लेनी, या मुझे ये वाला कलर चाहिए, ये वाला उसके अंदर फीचर चाहिए. तो ये जो हम अपने हिसाब से कंडीशंस बताते हैं, बेसिकली दीज आर डिजाइन वेरिएबल्स. ओके, सो जब हम डिजाइन वेरिएबल्स को एक किसी वैल्यू के साथ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो हमारे कॉन्स्टेंट्स बन जाते हैं, जो हम अभी आगे देखेंगे. तो लीनियर प्रोग्रामिंग से हम कई तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, जैसे डाइट न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, लाइक इन्वेंट्री कॉस्ट प्रॉब्लम्स एटसेट्रा. सो अभी हम इसको देखेंगे कि आज के सेशन में हम ये चीजें कवर करेंगे कि सबसे पहले कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो हमने देखा कि क्या होती है, दूसरा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, कि उसके कौन से चार स्टेप्स हैं जो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए होते हैं, तीसरा करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि कौन सी हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हो या कौन सी प्रॉब्लम किस टाइप में हो, ताकि हम उसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को डील करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, चौथा कॉम्पोनेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किन किन चीजों से मिलके बनी है, उसके क्या क्या उसकी नॉमेनक्लेचर्स हैं, वो इसके अंदर देखेंगे, और लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को सॉल्व करने का जनरल स्टेप्स क्या होते हैं. फिर उसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशन, जैसे हमने बताया आज हम सिर्फ ग्राफिकल सॉल्यूशन से डील करेंगे सेशन में, और ग्राफिकल मेथड में एक्सेप्शनल केसेस क्या है. इसके अंदर तीन एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक होता है कि इनफिजिबल सॉल्यूशन, एक होता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, एक होता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन. तो उस केसेस में फिर हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, और जनरली जो हम देखते हैं कि किसी स्टेटमेंट प्रॉब्लम को कैसे मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना है, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद कुछ एक दो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करके देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया जैसे लिनियर प्रोग्रामिंग क्या है, किसी भी फील्ड के अंदर हमें कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेक करना होता है कि हमें मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है. जैसे हम मिनिमाइज किसको करेंगे, कॉस्ट को करेंगे, है ना. हम मतलब कोई भी कंपनी ये चाहती है कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले इन रिस्पेक्ट ऑफ लो कॉस्ट. ओके, तो उसके लिए फिर उसको कई तरह से लेबर कंस्ट्रेंट्स हो गए, मटेरियल कंस्ट्रेंट हो गए, तो वो सारी चीजें इसके अंदर हम देखेंगे. तो नाउ व्हाट इज द प्रोसेस फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि आइदर इट कैन बी सॉल्व्ड बाय लीनियर प्रोग्रामिंग और नॉट. सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इफ वी कैन सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और नॉट. यस, पार्टिसिपेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड कंस्ट्रेंट शुड बी लीनियर, बिकॉज इफ देयर इज लीनियर and the method which we are discussing today, that is graphical method, in this method we should have only two design variables. Okay, if there are more than three design variables, we cannot solve by graphical method. For that we use simplex method, that will be discussed tomorrow. Next we formulate that problem into mathematical model. Okay, so because without mathematical model we cannot plot graphs.
So next we solve the model either with graphical method or simplex method, dual simplex method, etc. And then we implement that model in a practical field. So these are four steps which we generally follow to solve the linear programming problem. Next, these are the three important characteristics to solve any linear programming problem. First is objective function is of the minimization or maximization. Okay, there are no other third option. Either we have to minimize, either we have to maximize. Maximize hum kya karenge? Jaise profit ho gaya, efficiency ho gayi. To is tarah se maximize karte hain. Aur constraints hamesha equality or inequality mein hone chahiye. Okay. लेकिन जो ग्राफिकल मेथड होता है उसके अंदर हम कौन से कंस्ट्रेंट्स लेते हैं? यस प्लीज, ग्राफिकल में कौन से लेंगे? इक्वालिटी और इनइक्वालिटी? इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हम जनरली नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स में फिर हम रीजन को, शेडर रीजन को, फिजिबल रीजन को नहीं शेड कर सकते. वो अब यूज करते हैं हम सिंप्लेक्स मेथड में, क्योंकि उसके अंदर फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, स्लैक, सरप्लस वेरिएबल्स ऐड होते हैं. तो ग्राफिकल मेथड्स में जस्ट हमारे पास इनइक्वालिटी का होना जरूरी है, एदर इट इज लेस देन, एदर इट इज ग्रेटर देन. सो थर्ड इज ऑल डिसीजन वेरिएबल्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जो ग्राफ हमारा है उसके अंदर हमें वही रीजन लेना है जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता हो. डिसीजन वेरिएबल नॉन नेगेटिव का मीन क्या है कि हमारे दोनों कंस्ट्रेंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, सो दिस इज द जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल. हाउ वी कैन राइट, वी कैन सी हियर, वी हैव फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइदर वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. We will see the practical problems in next slides. So here, objective function we generally represent it by z, means maximize x1 plus x2. We generally say we have to maximize the sum of two positive numbers x1 and x2. But we must have some constraints, subject to constraints that x1 must be less than 5. And x2 must be less than 4. An example, we have constraints that x1 must be less than 5 and x2 must be less than 4. And most important constraint is x1 and x2 both are equal to and greater than equal to 0. Okay, x1 and x2 both greater than equal to 0. So in this slide, we can see there are either types of variables, but in graphical we just take only two types of variables, x1 and x2, x or y, anything we can take. So these are three types: maximize, minimize, subject to constraints, and non-negativity constraint. So now next are the model components. Next are the model components which makes these are the parameters, these are the variables, these are the most important requirements which constitutes the linear programming problem. First is decision variables. Yes, what is decision variable? How can we define decision variables? Are those mathematical symbols which maximize or minimize the objective function. Okay, like we have objective function 4x1 plus 3x2. 4x1 plus 3x2. So objective function depends on, objective function depends on what factors? X1 and x2. So because 4 and 3 are constants, so x1 and x2 are the factors which decides the objective function. Okay, so these are decision variables. So decision variables, जैसे हमने पहली भी एग्जांपल ली, मान लो आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं कि भाई मेरी कॉस्ट इससे कम होनी चाहिए, मुझे कलर ये मिलना चाहिए. तो ये कॉस्ट और कलर मेरे क्या हो गए? डिसीजन वेरिएबल्स हो गए. ओके, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन
एक लीनियर मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना होता है और मिनिमाइज करना होता है, आइदर इट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, प्रोडक्ट्स एटसेट्रा. नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट्स. व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स? जैसे हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि डिसीजन वेरिएबल कॉस्ट है, मान लीजिए गाड़ी के लिए डिसीजन वेरिएबल कॉस्ट है, तो कॉस्ट की लिमिट क्या है कि मैं 4 लाख तक ले सकता हूं, 3 लाख तक ले सकता हूं, तो वो जो डिसीजन वेरिएबल की रेंज हो गई उसको हम बोलते हैं, जैसे हम इस केस में लिया था एक्स1 लेस देन इक्वल टू 5, तो दिस इज अवर कंस्ट्रेंट कि भाई मैं 4 लाख से या 5 से ऊपर नहीं जा सकता, इससे कम मुझे कोई चीज खरीदनी है. तो कंस्ट्रेंट्स हर चीज में जरूरी होते हैं, क्योंकि अदरवाइज हम एक ऑप्टिमाइज किसी भी चीज को नहीं कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी चीज की लिमिट नहीं होती. ठीक है, सो नेक्स्ट इज पैरामीटर्स. पैरामीटर्स आर बेसिकली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, बेसिकली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, लाइक वी कैन से 2x1, 3x1. सो हियर दी 4 and 3 आर पैरामीटर एंड 2 and 3 आर पैरामीटर विच आर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, और वी कैन से कोफिशिएंट्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड डिसीजन वेरिएबल्स यूज्ड इन कंस्ट्रेंट्स. क्लियर? सो नेक्स्ट, दिस इज द एग्जांपल वी कैन सी हियर. हियर वी हैव मैक्सिमाइज्ड जेड इज इक्वल टू x1 प्लस x2. सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. दिस इज वेरी लेमन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस 3 कंस्ट्रेंट्स, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4. ओके, फर्स्ट कंस्ट्रेंट. सो इन फर्स्ट इक्वेशन व्हाट आर डिसीजन वेरिएबल्स? यस, x1 एंड x2. एंड व्हाट आर पैरामीटर्स? 1 and 2. सो व्हाट आर कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट इज फुल इक्वेशन, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4. ओके, सो इन other types 4x1 plus 2x2 less than equal to 12 minus x1 plus x2 less than equal to 1, and most important constraints is x1 x2 greater than equal to 0, because a line has no end. Okay, if we want to plot a graph like this line comes in fourth quadrant also, first quadrant also, and second quadrant also. So to bound our region, shaded region, so we have to consider that x1 and x2 must be greater than equal to 0. So we can construct a design vector. A vector constitutes with decision variables is known as design vector, and the x1 and x2 are the design variables as we discussed earlier. So now we proceed to next things. Formulation steps to construct a mathematical model. First of all, as we discussed, we analyze the problem. Okay, what type of problem we are going to solve? So this is important, because in like we have to consider a transportation problem, then what is our objective? In transportation problem, like we have to transport one material from one place of manufacturing to another place of requirement. So what will be our objective? Minimize time, minimize cost, and optimum route. Okay, so that we can cover maximum cities. Okay, so for that we have to first check that what type of problems we are going to consider. So first steps is analyze the problem and consider the objective function. Either we have to minimize, either we have to maximize. Second is determine the design variables. Okay, to minimize or maximize that objective function, which are the factors which influence that objective function? Okay, if we do not select the decision variable most appropriately, then our solution will not be optimized. Okay, so decision variables, so second step. Third step is variable bounds. Important. Variable bounds means, like we have seen here, x1 and x2. That each design variables have its own limitation. Okay? Like x1, what x1 has limitation? That x1 should be less than equal to 5 in this case. Okay? And x2 must be less than equal to 4. So this is the lower bounds and upper bounds. Like we say,
So this is lower bound and this 5 is upper bound, like x2. So what is the lower bound? 2. And what is the upper bound for x2? 6. So we select if it we have a lower bounds or upper bounds, because this also reflects our shaded region. Okay, now fourth steps is whatever the constraints we have which forms from decision variables, we will plot that all constraints in a graph. Okay, but whenever we draw the graph, we just normally consider the equation. We forget about the inequalities. We just take as a that constraints as an equation. But when we will shade the region, then we will see it either its constraint is of maximization, either it is a constraint of minimization. Then last step is write the objective function and constraints in mathematical form. Okay. So now we can consider one problem. Please read this problem. And you should tell that what are our decision variables, what are our objective function, and what will be our constraints. Sorry. Mugs and balls are our design variables. Okay, because balls and mugs we have to produce so that we can maximize our profit. Okay, so what are the constraints? Constraints are labor and material. Okay, so labor and clay will be our labor and material will constitute our constraints. Okay, so how do we see you can please construct the equations. What will be our objective function? Yeah. Yes, please. What will be objective function? Maximize z is equal to 40x1. Like we have 40x1, like we say bowl for x1 and this for x2. Basically labors will be considered as x1, because for making that part labor and clay, labor x1, x2 is clay. Okay, so z is 40x1 plus 50x2. Okay, you please note down this resource availability, which is not given in last slide, because only using that resource availability we can construct the constraints. Okay, but what is our limitation? What is our constraint? That in each day we cannot work more than 40 hours. Okay, total work of our labor we are considering here. And what is the constraint for clay? We can use at most 120 pounds of clay. Okay, LBS means pounds. Okay, so this is our constraint. Now we go to the last slide. Now you please construct the equation. For we can construct for labor first. Yeah, for labor, what is the labor constraint? Because to produce the mugs and balls, we have to consider na ki that how labor and how material we have available. So for labor, what is the labor constraint? X1 plus 2x2 must be less than equal to 40. As we have a resource availability 40 hours of labor per day. Okay, and similarly for mug, now this is material constraint. What is material constraint? 4x1 3x2 less than equal to 120. Okay, and most important constraint. Yes. Yeah. X1, X2 greater than equal to 0. Clear to everyone? Okay. So these are our constraints.
This is the final equation. The FT function we have 40x1 plus 50x2, x1 for balls or x2 for mug. Okay, so 40x1 plus 50x2 will be your objective function, and x1 plus 2x2 less than equal to 40 is our first constraint for labor constraint. Okay, so now there are two types of solutions. One is feasible solution and second is infeasible solution. What are feasible solution? Feasible solutions are those solution which solution does not violate at any of the constraints. Okay, like we have example in this case, if we consider x1 is 5, x2 is 10, we should incorporate the values of x1 and x2 in these equations. So does these values violate any of the constraint? No, because if we put x1 is equal to 5 and x2 is equal to 10 in here, what is the value? 25. So it's right or wrong? Is it okay? Right. And this one is 70 less than 120. Is it also okay? Okay. So it means this type of mathematical model gives us which solution? Feasible solution. Similarly, if we take x1 is equal to 10 and x2 is equal to 20, so what are the values? First equation violate the constraints. Okay, value is 50 greater than 40. It means what type of solution will come? Okay, dekho, jab hum x1 ki value 10 aur x2 ki value 20 put karenge, तो हमारे पास कंस्ट्रेंट की वैल्यू क्या आ रही है? फर्स्ट कंस्ट्रेंट में डालो 20 प्लस 2 इनटू 20 कितना आ गया 50 इज लेस देन इक्वल टू 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 लेस ग्रेटर देन सो इट मींस दिस कंस्ट्रेंट्स डज नॉट मैच सो इट मींस द टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच विल गिव दिस प्रॉब्लम इज इनफीजिबल सॉल्यूशन ओके सो नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर फॉर्मल टॉपिक. This is called graphical solution of linear programming model. So there are two types by which we can solve graphical solution. First is isoprov, or we can say isoline method. Second is extreme point valuation method. Generally we use extreme point valuation method. Okay, in generally most of the times in the practical field we use extreme point valuation method. So as I told you earlier, that to solve the linear programming with graphical method, how many decision variables we should have? Two. Because if there will be more than two decision variables, we cannot solve the model using graphical method. For that, which method we have to apply? Simplex method, or we can say dual simplex method. So we will start with, these are the six steps. You should note down or you should understand. What will be the first step to solve the graphical method? You can read. First of all, we have to determine the problem along with the decision variable, objective function and constraints. In nutshell, we can say that we have to construct mathematical model. What we have to do? If we have statement problem, we have to convert first into mathematical model so that we can proceed for our solution. Second step is mathematical formulation. Third is draw a graph. The constraints which we have obtained to maximize the objective function or minimize the objective function, we have to plot all the constraint equation on a graph. Okay, so according to the inequalities which is given in constraints, that decide our shaded region, or we can say feasible region. Okay, देखो हमने constraints की equation को तो graph में plot कर लिया, हम example करेंगे, उसको plot कर लिया, लेकिन constraint less than equal to है और greater than equal to है, उसके हिसाब से हम ये decide करेंगे कि हमारा graph में region कौन सा feasible region होएगा, क्योंकि दो part होंगे line के कितने part बनेंगे, line पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? दो पार्ट में, एक
अलोंग ओरिजन और एक फार्देस्ट फ्रॉम ओरिजन। सो हम इनक्वालिटी के हिसाब से देखेंगे कि हमारा शेडर रीजन कौन सा वो लाइन दे रही है, उसके हिसाब से जो सारी इक्वेशन एक कॉमन शेडर रीजन देंगी वो उस रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन। ओके, सो जो हमारे पास फिजिबल रीजन आ गया उसके फिर हम सारे कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे जो भी हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये फिजिबल रीजन आया, मैं आर्बिट्री बना रहा हूं, मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, ये फिजिबल रीजन है। ओके, सो फॉर दिस फिजिबल रीजन व्हाट आर द एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट्स, ओ ए बी एंड सी। सो फोर्थ स्टेप इज वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। O is understood, origin 0, 0. So how we can solve this point ABC? Using elimination method, substitution method to solve the equation, two linear equations. Okay. And fifth steps is for each these points O, A, B and C, like we have 0, 0, 0, 3, 2, 4 and 3, 0. Suppose we have these four corner points. So for these four points, we put the values of x and y in objective function. Okay, we will put these values in objective function to calculate the values of objective function at these four points. Okay, now we will see if we have to maximize the objective function. So the point which gives the maximum value, like this gives 5, this gives 4, 6 and 8, just assume. So if my question is to maximize the objective function, so what will be my answer? C. Which point? C. So means 3, 0 is my optimal point. Okay, so 3 is for first design variable, 0 for second design variable. So if we have to minimize the objective function, what will be our answer? Origin. Okay, this is just example, but in practical we will see there will some value. Now we solve that bowls and mugs mathematical model using graphical. So now you please proceed to solve this problem. Okay, first of all we will do this step by step so that you can understand. So what is our equation? Have you noted down these equations? Objective function is 40x1 plus 50x2. Constraints are, you please note down. Okay, first step is like we have seen just now. Like we have x1 is our bowls, x2 is mugs. So we consider these two variables as our axis, x coordinates. Okay, like we can say this is x axis, this is y axis. This is x1 and this is x2. Clear first of all? Okay, second is we will draw first equation. What is our first constraint? x1 plus 2x2 is equal to 40. So everybody knows how to draw a line. What we will do, as we do in our small classes, x1, x2. When we put x2 0, what is x? 40. And when x1 is 0, what is x2? 20. Okay, so what is the equation? Clear? So this is our equation, x1 plus 2x2 is equal to 40. But important is we have to draw an equality. What is our inequality? x1 plus 2x2 less than equal to
40. सो हाउ वी कैन चूज, देखो ये लाइन इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, हम कौन सा लेंगे? हम ऊपर वाला लेंगे या नीचे वाला? क्यों? लेकिन इसका प्रॉपर वे क्या होता है, सबसे इजी तरीका हमेशा याद रखो, आप x1 x2 को 0 पुट करो, हमेशा इन कंस्टेंट इनक्वालिटी के अंदर आप ओरिजिन वैल्यू पुट करो. जब आप x1 x2 0 पुट करोगे, 0 प्लस 2 इज 0 लेस देन इक्वल टू 40. इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू. इट मींस ये लाइन हमें वो वाला रीजन देगी जिसके अंदर कौन आएगा? ओरिजिन आएगा, क्योंकि ओरिजिन कोऑर्डिनेट जो है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई. तो इसका मतलब मेरे पास ये वाला रीजन आएगा इसका. क्लियर हुआ? तो ऊपर वाला पार्ट हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया. हमेशा आप इस इक्वेशन के अंदर ओरिजिन पॉइंट डालो, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन वाला पार्ट आएगा, नहीं कर रहा तो दूसरे वाला पार्ट आएगा. ओके, सो नाउ प्लॉट द सेकंड इक्वेशन. दिस इज द फिजिकल रीजन वी हैव ड्रॉन. नाउ दिस इज सेकंड इक्वेशन, 4x1 3x2 इज 120. So, what will be the coordinates if we put x2 0, x1 is 30. If x1 is 0, what is will be x2? 40. Okay, so similarly, when we put zero, will inequality will be true or false? If we put 4x1 plus 3x2 less than equal to 120, if we put an origin here, so will inequality be true or false? True. It means this line will also come in this side, origin part. Is it fine? So now we have to see the common region of both lines. Okay, so which will be the common line, common area? This one. Okay, now I will erase the rest of the region. So this is our common region. Okay. So now you can see we have these three types of points, R, S, and T. These are three areas. R region, this is the R region is visible region. Okay. So what are the coordinates of these three points? This is first point. This is second point. We can see this is R and this is C. What are the coordinates of extreme points? Extreme, what are the coordinates of extreme corner point? Yes, please tell. First is origin 0, comma 0. This, what is the point of this coordinate? B 0, comma 20. And C is 30, comma 0. And one point is R. So you should calculate the coordinate of point R. What will be the coordinate of point R? You should calculate.
Yes, has anyone found coordinates of this point R? We can multiply first equation by 4. 10, 8. X2 is 8. So put X2 is 8 here. 16. So point is X1 is 24. Okay. X1 is 24. So what are the coordinates of point R? 24, 8. Is it clear? Okay. So now here, till this part, for both isoprophyt method and extreme point evaluation method, these steps we have to follow. Okay, so now after this, there are two ways. Okay, first we are considering isoprophyt method. Is it clear to everyone? Okay, now important part. Now see, we are again drawing this graph. First is 20, 0. Okay, clear? So first we see isoprophyt method. So in isoprophyt method, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंसीडर करेंगे, ठीक है? इसमें हमारा फिजिबल रीजन क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? Z is equal to 40x1 प्लस 50x2. ओके, सो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इतनी आएगी. आइसोप्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इतनी आएगी. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इतनी आएगी, हम कितनी अज्यूम करें? उसके लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम लेते होते हैं. हम इन दोनों पैरामीटर का क्या लेंगे, एलसीएम. यू जस्ट टेक एलसीएम 40, 50. वी कैन जस्ट लेट गो बाय 10. सो एलसीएम इज 200. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद 200. वी विल स्टार्ट विद 200. वेरी इजी मेथड. ओके, सो first we put 40x1 plus 50x2 is equal to 200. Please draw this line. Now please draw this line, this one. But what will be the coordinates? 5, 4. If we put x2 0, what will be x1? 5. And if we put x2 0, x1 is, sorry, now we put x1 0, x2 is 4. So draw this line. So this is line 40x1, 50x2 is 200. Is it clear? But what is our objective? We have to select that line. We will draw the parallel lines of this extreme point. हमारा एम ये होता है कि हमें एक ऐसी लाइन लेनी है जो फिजिबल रीजन
जो हमारा फिजिबल रीजन है उसमें ओरिजिन से सबसे फार्देस्ट लाइन हो, ठीक है। हमारा एम क्या है कि हमने ऐसी ऐसी पैरेलल लाइंस बनाते जाना है और तब तक बनाते जाना है जब तक ऐसी लाइन हमें ना मिल जाए जो ओरिजिन से सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस पे हो। और आप ये बताओ कि इस फिजिबल रीजन में सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस वाली लाइन कौन सी होगी, जो कहां से पास करेगी, आर में से। तो हमें ये ऐसे पैरेलल लाइंस बनाते जाना है। एम क्लियर हुआ? हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू ऐसे पुट करते जाना है, तब तक करते जाना है जब तक हमें एक ऐसी लाइन नहीं मिल जाती जो ओरिजिन से सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस पे, ठीक है। हम इसके बाद फिर ट्राई करते हैं। अब इसके मल्टीपल शुरू कर दो। 40x1 प्लस 50x2 इक्वल टू 400। ओके, नाउ प्लीज ड्रॉ दिस लाइन। व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स? 10,0 एंड 0,8। नाउ द सेकंड लाइन, will it be solved of a purpose? No, so we have to proceed further. Now third multiple is 600. What will be coordinates? Yes, please. 150, comma. What will be coordinates? 150 and? Yes, yes, please. Please say. 150 and 120, okay? 15. Yes, 15. And 12. So this is second, third line. Okay, this is third line. Now it will not solve our purpose. So next is 800. So still now I'm showing you here only. We will put these four values. Okay, 40x1 plus 50x2. Is equal to 800. 40x1, 50x2 is equal to 1200. And next is 40x1, 50x2 is 1600. You please draw these three lines. Okay. First with 800. With 800, we have just these points. 15, comma, is like this. Okay, and with 1200 we will again have towards origin. We will not find any farthest line from the origin. But if we put 40x1 plus 50x2 is equal to 1600, then that line will go beyond the feasible reason. It means that line will not solve our purpose. So we have a value which lies between 1200 and 1600. Okay. अगर हम 1200 से value draw करते हैं, एक 1600 से draw करते हैं, तो 1200 वाली line R से पहले रहती है और ये वाली line 1600 वाली line R से बाहर जाती है. It means दोनों ही हमारा purpose solve नहीं कर रही. तो इसका मतलब answer हमारा 1200 भी नहीं होगा, 1600 भी नहीं होगा. इसके बीच में lie करेगा. ठीक है, तो जो ये वाला मेथड है ये मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम इसको कभी भी मतलब बहुत ही रेयर यूज करते हैं. मुझे नहीं पता इसका कहाँ यूज होता है, लेकिन हम जनरली एक्सट्रीम इवेल्युएशन मेथड यूज करते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमें इसको ऐसे प्रैक्टिस सेशन में आर्बिट्री वैल्यूज पुट करते रहना है. लेकिन वैल्यू पुट कैसे करनी है वो मैंने आपको बताई, ठीक है, कि पहले एलसीएम ले लो, फिर उसके मल्टीपल्स लेते चलो, फिर उसके बाद यहाँ आके हमें पता चल गया, 1600 में आके पता चल गया कि हमें इससे आगे नहीं जाना. अब हमने वैल्यू 1600 से कम ही रखनी है. ओके, वही वाली कंसीडर करनी है. बिल्कुल फाइनाइट, बहुत फाइनाइट चाहिए होता है हमें. वो वाली लाइन चाहिए जो बिल्कुल आर पॉइंट्स, क्योंकि वही सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस पे होगी. जो लाइन ओरिजिन से सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस पे है वो वही लाइन होगी जो आर से पास करेगी. ठीक है, ये करना एक बार.
जो नोडल सेंटर्स हैं उन अभी फिगर्स देखेंगे, उनको पता चलेगा। सी नाउ वी पुट 40x1 + 50x2 इज इक्वल टू 800, 40x1 + 50x2 इज 1200, 40x1 + 50x2 इज 1600। सो जब हम 1200 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो आर से पहले रह रही है, और जब हम 1600 पुट कर रहे हैं तो वो फिजिबल रीजन से बाहर जा रहे हैं। इट मीन कि वो रीजन से बाहर चला गया, इट मीन हमने 1600 से पहले पहले रहना है। तो ये बहुत ही ट्रेंड ट्रायल मेथड से वैल्यू पुट करते 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 हमें एक ऐसी लाइन मिलेगी जो आर पॉइंट से पास करेगी। ओके, सो हम इस मेथड को बहुत कम यूज करते हैं। तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? हम उसके लिए मेथड यूज करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूएशन मेथड। सबसे इजी मेथड क्या है? हम ये सभी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ओ ए आर एंड सी। ओके, इन चारों पॉइंट्स पर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू देखी कि क्या वैल्यू आ रही है। सबसे पहले हमने वैल्यू पुट की ओरिजिन में 0,0, क्या वैल्यू आएगी? 0। फिर हमने ए पुट किया 0, उसके हिसाब से ले लेते हैं सी पॉइंट, सी पॉइंट इज 30,0। What will be the answer? 40 × 30 + 50 × 0. Answer is 1200. Good. Next point is B. B is 24,8. What will be the value? Yes, please calculate. 1360. 1360. And next is A. A is 0,20. Answer? 1000 is 1000. So our aim is to maximize the objective function. So what will be the our answer? 1360. 1360. And how much bowls and mugs should be produced so that company will get maximum profit? Please tell, how much bowls? 24 bowls and 8 mugs if company will produce, then company will get a definitely maximum profit in the given constraints, for the given constraints or labor constraints and material constraints. Okay, so these are the two methods by which we can solve the graphical solution. Okay, has anybody has any doubt? Yes, nodal center. Sir, jab hum parameters ki baat kar rahe hain ji, to jo hamari z ki equation hai usme jo hamare constraints hain, usme jo hamare 40 and 50, they are parameters or jo constraints mein hamare design variable. 1 and 2 will be our parameters, or 40 and 50 will be our parameters. 1 or 2, you are telling in constraints? Yes. Coefficients are constraints. Coefficients are basically parameters. Coefficients are in constraint 1 equation or Z1 equation? Say, in both. In both, we can say 40 and 15 objective functions are parameter. In constraints, 1 and 2 are parameters. Okay, and X1, X2 are design variables. Okay. Sorry? Yes. Why? Because balls and mugs can't be negative. In practical problems, हम ये कैसे कह सकते हैं कि mug की value -1 होएगी या balls की value -1 होएगी? ये तो प्रैक्टिकल चीजें, या तो होएगी या नहीं होएगी। अगर होएगी तो 1 होएगी, ठीक है ना? तो जो बॉल्स एंड मग्स है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होएगी, ठीक है?
प्रैक्टिकल जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, भले न्यूट्रिशियस फूड है, विटामिन ए विटामिन बी जा तो होएगा या नहीं होएगा, इनकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज दीज आर लिविंग थिंग्स, और वी कैन से दीज आर द थिंग्स विच वी कैन प्रोड्यूस टू मैन्युफैक्चर. या इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. ओके, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स. नहीं हो सकती आप वैसे, दिस इज गुड क्वेश्चन, प्लीज नॉट टॉकिंग. जो हमारे पास ये फिजिबल रीजन है, इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं. आप कोई भी आर्बिट्री पॉइंट इसमें पुट करके देख लो, उसकी वैल्यू 1360 से कम आएगी. और सिमिलरली जैसे आपका क्वेश्चन था कि अगर हम अब हमें पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1360. अगर आप आइसोप्रॉफिट लाइन मेथड में 40x1 प्लस 50x2 इज इक्वल टू 1360 पुट करोगे, तो वो आपकी लाइन आर से पास करेगी और वो फार्देस्ट डिस्टेंस पे होगी. ठीक है ना, लेकिन वो बहुत हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसलिए हम उसको बहुत रेयर यूज करते हैं. हम जनरली इसी को यूज करते हैं. हाँ जी, कॉन्स्टेंट मीन्स कंस्ट्रेंट्स. यस यस, बेसिकली यहाँ पे कोई लोअर बाउंड हमारी जीरो है और अपर बाउंड इन्फिनिटी है. लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हम मैकेनिकल के अंदर आपने वाइब्रेशन पढ़ा होगा, उसमें हम हुक्स मेथड लगाते हैं, होवल्स मेथड लगाते हैं, तो उसमें हमारे पास बाउंड होते हैं कि भाई ये जीरो और टू से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना. जब हमारे पास कैंटिलीवर की एग्जांपल्स होती हैं, बीम की एग्जांपल होती हैं, तो उसमें लगाते हैं कि हमारी वैल्यू जीरो और टू के बीच में नहीं होगी, तब इनकी वैल्यू और प्रेफर होती है. ठीक है, तो ये लोअर बाउंड हो जाता है और ये अपर बाउंड हो जाता है. ठीक है, so anybody has question from nodal center? Okay, so this is the final answer. Now there are some exceptional cases in graphical method. First is alternative solution. Okay, now you please solve this problem, because this method just need practice. Maximize z is equal to 2x1 plus 4x2 subjects to these constraints. We will solve this equation. But here we use only graphical method by extreme valuation point. We will not try isoprofit for this equation. Yes, you please solve all this equation. Z is equal to 2x1 plus 4x2 subjects to constraints x1 plus 2x2 less than equal to 5, x1 plus x2 less than equal to 4, and x1 x2 are non-negative. x1 plus 2x2 is equal to 5. So, what are the coordinates? Yes, please. 5, 0 and 0, 2.5. And second is x1 plus x2 is equal to 4. x1 plus x2 is equal to 4. So point is 4, 0 and 0, 4.
ओके, नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर आवर इनइक्वालिटीज फॉर दिस लाइंस, फॉर दिस लाइन ए बी. But what will be our feasible, what will be our shadow reason for line first? What is the procedure to check? We put value 0 and 0. Very good. x1 plus 2x2 is equal to 5. 0 plus 0 is equal to 5 less than equal to 5. Is it true or false? True. So it means this line has a reason containing this part. We can just light arrow. Similarly, second, this line. So, what is the feasible reason? Okay. So, please calculate the coordinates of point C. 3, 1. Please calculate. x1 plus 2x2 is 5. x1 plus x2 is 4. Yes, this coordinate is 3, 5. Okay, now what is the next step? Find, put the all these four coordinates in objective function. O A So by putting the origin point, what will be the value? 0. And by putting 0, 2.5? 10. 10. And by C? And all are 10. All are 10? All are 10. I mean, last one is 8. 3. This is 8? This is 10. Okay? So, in this equation, we have two solutions. Okay? So, there are some problems which contains an alternative solution. If we produce 0 and 2.5, like if we consider balls and mugs here, so 0 balls and 2.5 mugs, then we can optimize our profit. If we produce 3 balls and 1 mugs, we can do our maximized profit. Okay? I just saying, because this is not example of balls and mugs, but generally we can say 0 of x1, 2.5 of x2 will give maximized profit, 3 of x1 and 1 of x2 will give maximized profit. Okay, so here are, we have two answers. See, we can see now, we can see in graph presentation, extreme point 0, A, B, C. So here we have constraints like this. Okay, this line, BC line, contains the points C and B, which gives the maximum optimal solution. Is it clear to all, everyone? Any doubt? No. Yes, from Nodal Center. Okay, next is infeasible solution. Next is infeasible solution. There are some, as we discussed earlier, what are infeasible solution? Yes, anyone? Yeah, if any constraints, if the values of decision variables violates at any one of the constraints, then that equation, that model will give us infeasible solution.
okay, the values of decision variables must satisfy all the constraints to get a feasible solution. Okay, so we should solve this equation now. Yes, please note down the equation, nodal centers. Z is equal to x1 plus x2. S is x2 constraints, x1 plus x2 less than equal to 1, minus 3x1 plus x2 greater than equal to 3, x1, x2 are non-negative. So here, first of all, we produce x1 and x2. First equation is x1 plus x2 is 1. X1 plus x2 is 1. What will be coordinates? Yes, please. 1, 0. And 0, 1, 0 and 0, 1. Second is minus 3x1 plus x2 is 3. See, for this line, which will be our shaded region? Towards origin. 0, 0 less than equal to 1 satisfied. So this one. For second line, what will the coordinates? Minus 1. Minus 1, 3. Okay. X1 is minus 1. And X2 is 3. So this is our piece. Okay, see, now we have to check minus 3x1 plus x2 is 3. If we put origin, will it satisfy? 0, 0 greater than equal to 3. True or false? False. It means this line does not contain the region which contain origin. Okay, so we have to move this side. Okay, so this line says this side and this line says this side. So is there any common region? Is there any common region? No. It means we have to, there is no solution, no feasible solution. We can see here. You can see in presentation. Okay, x1 plus x2 is 0, like this side only, and minus 3x1 plus x2, because we have to stay in first quadrant also, na? Our, what are our next conditions? X1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0. So we have to stay only in first quadrant. So in this part, we cannot consider anything. So that's why there is no feasible region. Okay. So is there any common region? No. It means this model has no feasible solution. We can say infeasible solution. So these types of problems, there also exist sometimes. So when we do research, when we do mathematical modeling in our research, so there will be some constraints. So we have to change our constraints. है ना, हमने सारा काम कर लिया और बाद में जब उसकी एनालिसिस करने लगे सॉफ्टवेयर में या मॉडलिंग में, तो पता चला कि ये कंस्ट्रेंट्स तो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को वायलेट कर रहे हैं, ये कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो हमें शुरू से सारे डिजाइन वेरिएबल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि प्रॉब्लम को समझें और उसके डिसीजन वेरिएबल कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे उसको चूज करें, है ना। जब हम वैसे भी कोई
थीसिस करते हैं या रिसर्च करते हैं तो पहला काम यही होता है कि हम टॉपिक को डिसाइड करें, है ना, काम तो हो ही जाएगा। अगर हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल सही तरह से बन गया तो सॉल्व हम उसको इजीली कर सकते हैं। अगर हमने मॉडल गलत बना लिया और सारा प्रोसीजर हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद पता चला कि वो तो हमारी सोल्यूशन वायबल ही नहीं है, वो सोल्यूशन, वो मॉडल मेरा सही नहीं है, तो फिर हमारा बहुत समय वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो वी कैन सी हियर शेडर फॉर शेडर रीजन इज फाइव। नेक्स्ट इज अनबाउंडेड सोल्यूशन, थर्ड इज अनबाउंडेड सोल्यूशन। दिस इज द थर्ड एक्सेप्शनल केस इन ग्राफिकल सोल्यूशन। Yes, please note down this equation. We have to maximize the objective function 40x1 plus 60x2 with constraints 2x1 plus x2 greater than equal to 70, x1 plus x2 greater than equal to 40, x1 plus 3x2 greater than equal to 90, and x1 x2 are non-negative. So now you should proceed for these equations. First is using first equation, what will the coordinates? What is abscissa and ordinate? 35, comma. Thirty-five comma zero, zero comma 35. Next is x1 plus x2 is 40. What will be the coordinates? 40, 0 and 0, 40. Next is x1 plus 3x2 greater than equal to 90. What will be the coordinate? Hanji? 90, 30. 0, 30 and 90, 0. So now important is we have to choose the reason which these constraints follows. Okay, yeah, this is sure that we have to remain in this first quadrant only. First is 2x1 plus 2x is 70. Put the region here. Is it true or false? False. It means we have to 35 line, this type. Is it okay? Okay, this line does not contain origin. Second is x1 plus x2 40, 0 plus 0 is 40. True or false? False. So again we have to choose above one portion. Third is x1 plus 3x2 90. False. So we have to again move upwards. So what is the common region now? Next. There is common region, but that is for unbounded. Yes, please see this presentation now. You can see in all these three lines, we do not contain the region having origin. So these three lines give the shaded region above this point. You can see this one. Okay, so if in this question we have to minimize the objective function, then we can find the values. क्योंकि हमें यहां पर यह पूछा गया था कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट, बिकॉज देर इज नो बाउंडेशन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में हमें मिनिमाइजेशन पूछ लेते तो फिर हम क्या करते? इसके कोऑर्डिनेट निकालते, इसके निकालते और इसके निकालते, तीनों में से जो वैल्यू हमें कम देता वो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो इस ऐसी प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड, कि जिस की ये रीजन बाउंड नहीं है तो इसका आंसर इनफाइनाइट हो सकता है, कि x1 x2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर है सबको? अगर इसी में मिनिमाइजेशन पूछ लेते तो फिर क्या आंसर आता? फिर हम 0,40 एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन तीनों को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालते और चेक करते कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कहां पे सबसे कम आ रही है। वो तो इजी है, वो तो हमने अभी किया ही है। तो ये हमारे पास तीन एक्सेप्शनल केसेस हैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग के ग्राफिकल मेथड्स में देखे जाते हैं, ठीक है? और इन्हीं से हमें बचना होता है। जब हमने कोई प्रैक्टिकल मॉडल बनाना है तो हमने इन तीनों चीजों से बचना होता है। अगर हमारे किसी सिचुएशन में हमने सब कुछ बना लिया, डाटा ले लिया, सारी हमारे पास एनालिसिस हो गई, बाद में पता चला हमारा मॉडल ही सही नहीं है, तो फिर हमारा सारा टाइम, रिसर्च टाइम क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है, ठीक है? किसी को कोई डाउट हो इन तीन केसेस में? अभी हम एक इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे कि हमारे पास जनरल जो प्रॉब्लम होती है वो सीधा मैथमेटिकल मॉडल में नहीं होती है। मैथमेटिकल मॉडल तो हमें जनरेट करना पड़ता है। मान लो आपको कोई भी इंडस्ट्री प्रॉब्लम मिलती है या कोई भी आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम मिलती है तो वो आपके पास एक स्टेटमेंट में होती है। वो आपको कहेंगे कि भाई हमारे ये ऐसे ऐसे करके कंस्ट्रेंट्स हैं, तो उसको मैथमेटिकल मॉडल में कैसे बनाना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है? तो आपके सामने ये प्रॉब्लम है, आप इसको मैथमेटिकल मॉडल में बनाएं। पढ़ो ये स्लाइड देख लीजिए। यस नोडल सेंटर्स, यू प्लीज डू। ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच अ वे that vitamin contents of the mixture contain at least 16 units of vitamin A and 20 units of vitamin C. Food A contains 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin C. Food B contains 2 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin C. It costs rupees 40 per kg to purchase food A and rupees 60 per kg to purchase food B. So formulate this problem as a linear programming problem to minimize the cost of such a mixture. Okay, so you please formulate the mathematical model of this equation, this problem. Yes, you have some time. First understand this problem. As we did one question on bowls and mugs, so make that table so that we cannot repeat some mistake here. Nodal centers, I will ask from you. You should prepare the mathematical model for this statement. First of all, you have to prepare food A and food B. Okay? So, जिसे प्रैक्टिकली क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई, हम किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि आपको इतने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, ठीक है?
तो वो न्यूट्रिएंट्स हम कोई हम अब जब हम डाइट लेते हैं तो कोई एक चीज तो नहीं लेते। तो मान लो हमने उसने कहा कि आप एक समय पे दो चीजें खाएं, डाइट फूड वन खाएं एंड फूड टू खाएं। तो फूड वन के अंदर उसने दो चीजें बता दी, विटामिन ए इतने और विटामिन सी इतने, और उसी समय जो दूसरी आइटम है उसके अंदर विटामिन ए इतने और विटामिन सी इतने, और ये भी बता दिया कि विटामिन ए आपको एक समय पर इतना लेना है या उससे ज्यादा लेना है, इससे कम तो लेना नहीं है। इसमें एटलीस्ट बोला, एटलीस्ट माना कम से कम 16 यूनिट्स विटामिन ए की आपको लेनी ही है, ठीक है। तो और ये बता दिया कि फूड ए जो होगा उसकी 40 पर केजी कॉस्ट है और फूड बी की 60 पर केजी। ये तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसने मिनिमाइज दी कॉस्ट बोले तो बहुत इजी हो गया। तो हमें क्या करना है, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 40x1 एंड 60x2। सो हाउ वी शुड प्रोसीड फॉर दिस टेबल, यू प्लीज सी, बिकॉज वंस मैथमेटिकल मॉडल इज प्रिपेयर्ड देन वी कैन सॉल्व दी मॉडल बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सी यू फर्स्ट गेट फूड ए एंड फूड बी, मैम उनको दिख रहा है उधर से, दिस इज विटामिन ए विटामिन सी एंड दिस इज प्रॉफिट। ओके सो फूड ए हाउ मेनी प्रॉफिट, यस प्लीज टेल, ₹40। ओके बिकॉज 40 पर केजी टू परचेज फूड ए एंड दिस इज रुपीज फॉर 60, वी कैन से कॉस्ट। ओके नाउ जो फूड ए जो बन रहा है उसके इंग्रेडिएंट्स कितने कितने हैं, 4 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन है। मान लीजिए हमने विटामिन को मान लिया एक्स और इसको मान लिया वाई, जब जो पहले से ले रहे हैं X1 X2। ओके सो फूड ए में कितना आ गया, विटामिन ए कितने बताइए प्लीज, 4, और विटामिन सी कितना है, 2। फूड बी में 2 एंड 4, और हमें ये बता दिया उसने कि जो विटामिन ए है वो हमने कितना लेना है, मिनिमम एटलीस्ट 16 यूनिट्स। मतलब ये जो विटामिन ए है ये 16 से क्या होना चाहिए, ज्यादा, 16 से क्या होना चाहिए, ज्यादा, और विटामिन सी कितना होना चाहिए, 2 से ज्यादा, 20, ठीक है। तो अब हम इक्वेशंस आराम से बना सकते हैं। अगर आपको ये टेबल बनाना आ गया कहां पे क्या रखना है, तो हम बहुत इजीली मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं और हम बहुत अच्छी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब तो इक्वेशन बना लेंगे, क्या क्या इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 40x1 प्लस 60x2। ओके दिस इज द आइटम्स ऑफ फूड ए एंड आइटम्स ऑफ फूड बी, ठीक है। जो हमने x1 यूनिट्स ली है वो फूड ए के लिए ली है, और एक्स्ट्रा यूनिट्स तो जो ली है वो फूड बी के लिए। सो फर्स्ट इक्वेशन इज, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट, 4x1, 4x1 प्लस 2x2, वी हैव टू मूव दिस साइड, 4x1 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, बिकॉज वी आर राइट। प्लीज tell the type of equation, but we can name this constraint,
विच इनइक्वालिटी कंस्टेंट? दिस इज विटामिन ए कंस्टेंट. ओके, बिकॉज दिस इज विटामिन ए, विटामिन ए कंस्टेंट एंड दिस इज विटामिन सी कंस्टेंट. व्हाट इज विटामिन सी कंस्टेंट? 2x1 4x2 is greater than equal to 2x1 plus 4x2 greater than equal to 20. And most important, x, ये कभी, ये जब हम पेपर चेक करते हैं तो ये गलतियां होती है हमेशा. हम सारे कंस्टेंट्स लिख देते हैं और नीचे x1 और x2 greater than equal to 0 नहीं लिखते, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है. बट अंडरस्टूड तो होता है, लेकिन वो सारा गलत हो जाता है. ठीक है, x1 x2 greater than equal to 0. सभी को समझ आया कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट से मैथमेटिकल? सो दिस इज द आंसर. फोर एक्स वन प्लस टू एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 16, 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एक और प्रैक्टिस के लिए एक और बनाइए ताकि आपको और क्लियर हो जाए. अब आपको खुद बनाना है. ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ स्क्रूज पी एंड क्यू. ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू मशीन्स, एन ऑटोमेटिक एंड अ हैंड ऑपरेटेड. It takes 4 minutes on the automatic and 6 minutes on hand-operated machines to manufacture a package of screws P, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand-operated machines to manufacture a package of screw Q. Each machine is available for at the most 4 hours on a day. The manufacturer can sell a package of screws P at a profit of rupees 10 and screws Q at a profit of rupees 12. Formulate the problem in order to maximize profit. पहले इस प्रॉब्लम को समझिए, प्रैक्टिकल एक विजन बनाइए और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि हम लोग किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा कौन सी चीज मेन थी? फूड. क्योंकि फूड किसी चीज से मिलके बनेगा. विटामिन ए किसी चीज से मिलके बनेगा या फूड मिलके बनेगा? फूड. तो फूड ए के जो इंग्रेडिएंट्स है वो इक्वेशन डिसाइड करते हैं. इसमें क्या है, स्क्रू बन रहा है. स्क्रू बनने के लिए दो मशीनें चाहिए, एक ऑटोमेटिक चाहिए और एक हैंड ऑपरेटेड चाहिए. तो वो हमारे डिजाइन वेरिएबल हो गए. ठीक है, ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड हमारा क्या हो गया, डिजाइन सॉरी डिसीजन वेरिएबल्स, कि जिसके जिसको लेकर के हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कंस्ट्रेंड होएगा. तो बनाइए इक्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट है इसमें. उधर से आवाज आएगी ना, कुछ मतलब पूछ तो नहीं रहे कुछ. ओके, ये सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर. हाँ यस सर. यस, डू यू हैव एनी डाउट? नहीं
the performance function will be z is equal to 10x plus 12y और constraint equations जो होंगी वो हैं 4x plus 6y less than equal to 240 और 6x plus 3y less than equal to 240. Okay. तो most important x y greater than equal to 0. Okay. Panipat Institute. Yes, please have a seat, sir. Panipat Institute. चलो हम इसको देखते हैं कैसे करना है. आपने बना लिया सबने क्या क्या बनेंगी इक्वेशंस. सबसे पहले टेबल बनाते हैं P एंड Q. फर्स्ट इज ऑटोमेटिक हैंड ऑपरेटेड एंड नेक्स्ट इज प्रॉफिट. Profit is, first of all, we have to assume that there are x1 units of P and x2 units of Q. X1 units and x2 units. So, what will be our objective function? Profit for P is 10 and this is for 12. Clear? So, see. Problem is saying that each type of screw requires the use of two machines, automatic and hand operated. It takes 4 minutes on the automatic. जो P screw P को बनने के लिए 4 minutes automatic machine चाहिए और 6 minutes hand operated चाहिए. और इसको 6 चाहिए और इसको 3 चाहिए. और constraints क्या लगाए कि एक जो मशीन है वो मैक्सिमम एक दिन में कितना काम कर सकती है या कितनी अवेलेबल है. 4 hours. तो क्योंकि हमारे ये ऑटोमेटिक जो प्रोसेसिंग हो रही है वो मिनट्स में है तो हम उसको भी किसमें लिख लेंगे. मिनट्स में. एटमोस्ट मींस मैक्सिमम. सो विच इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 240 एंड लेस देन इक्वल टू 240. So constraints are 4x1, 6x2 less than equal to 240, 6x1, 3x2 less than equal to 240, and x1, x2 is greater than equal to. So now we can see on presentation 4x1 plus 6x2 less than equal to 240. 6x1 plus 3x2 less than equal to 24 and x1 x2 greater than equal to 0. Yes, in slide there should be 240. And objective function is x1 plus 12x2. Clear? So now we will solve the equations now. We will solve this equation using both methods, graphical extreme corner point valuation method and isoprofit cost method. Yes, please do. So that you will be familiar with this graphical solution method. Maximize z is equal to fifty x plus 15y, 5x plus y less than 100, x plus y less than 60, and xy is
greater than equal to zero. Yes, please solve and find the optimal solution for this mathematical model problem. First of all, draw all these lines, constraint equations on a graph. Yes, Sobha Sari Engineering College, Rajasthan. Sobha Sari Engineering College, Rajasthan. Hello. Yes, yes. Yes, sir. We are trying, sir. Yes, yes, sure. I will ask from your center. Okay, sir. Sir, this is Suresh Gyanvihar University. Sorry? Suresh Gyanvihar University. Yes, 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 please, sir. Our solution is Z is equal to 540 on X is equal to 30 and Y is equal to 20. Okay, you are telling the answer of this equation. Yeah, yes, I am telling the answer. Okay. Sir, may you please wait for 5 minutes? Okay. Thank you. Yes, Shaheed Bhagat Singh, State Technical Campus, Firozpur. Shaheed Bhagat Singh, Firozpur. Sir, excuse me. Yes, please. Sir, we are from RVR and JC College of Engineering, sir. Which college, ma'am? RVR and JC College of Engineering, Guntur, AP. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, one small request is we need explanation in English, sir. Okay. And solution for this is you got a physical region. Okay. Which is maximized at 10,50, sir. Okay. And what is the value of objective function? Z function 1250, sir. Yes, you are right. Sir, another small doubt, sir. Yeah, please, ma'am. Of all the constraints you have considered earlier. Yeah. We didn't get any constraint like where the constant term is absent, sir. Like if at all we don't have any constant term. Sorry, ma'am? Constant term, sir. If we don't have any constant term, say if the line is passing through origin. Yeah. So no such case is considered, sir. Okay. That we will consider then tomorrow. Okay, no problem. Okay. Yeah. Okay. Thank you. But for that thing also, like we have a constraint, like this is y is equal to x. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Y is equal to x, and second line is
something like this. X minus y is equal to 2. Yeah, there is a possibility for that, no, sir. Anything that this is 2 comma 0 and 0 comma 2. Okay? Yes, sir. So for that, if this equation has this type, we can say y is less than equal to x. Yeah. Okay? Or we can say x minus y is less than equal to 0. Just simply say x minus y is less than equal to 0. Yeah, that is a possibility. No, we are just asking, sir, that case is not considered. Yes, yes, but I'm just telling you the just example. Okay. Okay. So we can put any value of x and y, which it is like we put 1 comma 2. Okay. So 1 minus 2 is less than equal to 0. So is it true or false? True. Minus 2. True. So 1 comma 2 there lies, this is 1 and this is 2. So like here something, okay? So solution is towards. So this is our point. Have you got it or not? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Okay? And similarly, if we have this portion, like this portion we have like this type. Okay? Have you got, man? Yeah. We are getting, sir. But we have also constrained that x comma y is greater than equal to 0. Yes, sir. So we have just this type of portion. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yes. Sobha Sari Engineering College. Yes, sir. The yes. Sir. Yes. Sir. May we have the answers, please? Yes, sir. 1050, sir. Optimized solution. 1050. Yes, sir. No. What is your objective function? What are your 15y? What are your corner points? Starting from origin, sir. What are your corner points? Yes, sir. I'm telling from the origin. 060. Okay. 10, 50 and 20. Yeah, but I think you should check the value at 10 comma 50. Yes, sir. It is 1250. Sorry, sir. At 10 comma 50. Yes, sir. The value become 1250, not 1050. Yes, sir. Calculating mistake, sir. Sorry. Yeah, okay. Okay, so now we solve. See, first is 5x plus y is 100. What are the coordinates? 20 comma 0 and 0 comma 100. Next is 60 comma 0 and 0 comma 60. So what is the visible reason? This one. Okay, this is point A, this is point B, this is C and this is 0. What is the coordinate of point B? 10 comma 50? So answer is 0, 0 comma 0 is 0. A 0 comma 60. What is the answer? Yes, please. How much? 900. B 10 comma 50 is 1250. C 20 comma 0 is how much, please? 1000. But now you should proceed this model using isoprofit method. Isoprofit method, what we have to do? Yes, Mahavir Swami Institute, Sonipat. Mahavir Institute, Sonipat.
There's Dr. Sanjay Kumar ji. Hello, sir. Yes, ma'am. Ma'am, please tell how we can proceed if we have to solve this model using isoprof method. अगर हमें isoprof method से करना है तो कैसे करेंगे? Hello, sir. Yes, please. Sir, firstly we should take LCM of the objective function. Yes, 50 and 15. Yeah. Yes. Then after taking the LCM, we draw parallel lines after our first line that we got taking the LCM. Yeah. That's, and we draw that parallel lines up to the point R, so that we find the optimum value. But here is point. Not R, here is B. Yeah, it's B point. It's B point. I took it R. Okay. ठीक है, गुड गुड. प्लीज हैव अ सीट. थैंक यू. सो नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एलसीएम ऑफ 50 एंड 30. 15 50. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 50 एंड 15? 150. ओके. But I think 150 is very less value, so we should take second multiple. 50x plus 15y is equal to 150. So what is the coordinates? 3, 10. Okay. Second is 50x, 15y is 300. Coordinates 6, 0 and 0, 20. Why these all are parallel lines? So then what it affects on multiple? Bhavan Mahavir Institute, Haryana, Sonipat, Haryana. Bhagwan Mahavir. The same flow. Bhagwan in the same flow. Bhagwan Mahavir Institute. Yes, sir. Yes, why always these lines are parallel? Because they are having the same slope. Yes, because these all lines having same slope. What is the slope? Minus coefficient of y by coefficient of x. Okay, so we can, because these lines have same slope, so these always are parallel. So next is 50x plus 15y is 450. Coordinates please. 9, 30. Okay, so similarly what is our objective? So please tell CT Institute, Jalandhar. आप CT Institute Jalandhar ये बताएं कि हम कब तक ये लाइनें ड्रॉ करते रहेंगे? Yes, CT Institute, Jalandhar. यही बोले मैडम, आवाज नहीं आ रही इनकी. ओके ओके, तो कौन रह गया? यस पी. Yes, yes, please. Sir, जब तक ये last को leave नहीं कर देगा जो हमारा reason था. कौन सा institute? भगवान महावीर. महावीर है. Okay, okay.
पीवीपी सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश। पीवीपी सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट सर इट लाइज बिटवीन 1200 एंड 1350। नहीं माय क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन डिसाइड एंड टिल व्हाट लाइन वी विल स्टॉप टू प्रोसीड द लाइंस। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन सर। हम कब तक ये लाइनें बनाते जाएंगे सर इंग्लिश सर। ओके आई एम आस्किंग दैट एट व्हाट स्टेप वी शुड स्टॉप making these lines. Sir, it should cross the feasible regions. Okay, so may you tell the point please? Which point? This point, sir. Which you are pointing. Okay, so in this way we can draw these lines and when we reach this point at B, then we stop writing this. Lines clear? Yes. Okay, fine. There is one more question, last question for this session. Minimization problem. This is last question, then you will be free. I will ask from all the centers. So please solve this problem. This is minimization problem. Z is equal to 3x plus 5y minus 2x plus y yes please solve this question Yeah, please. Isotropic method is time consuming. Yeah. Why do we go for it? Why not to go for the other one? We will always go to extreme evaluation method. We never use isopropic cost method. Yeah, definitely. We always, but this is for practice, because there are some courses in which this isopropic method is included. That's why I am telling you. Otherwise, in practical, we never use. So, first of all, draw the constraints equations with its feasible region, with its shaded feasible region. आएगा यार बट इसमें मिनिमम है ना वी हैव टू मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सो वी विल डेफिनेटली हैव सम
Have you done? Then? Yes, what we have to do here, first of all, what is the question for minus 2x plus 5 is 4 coordinates, please? Yes, coordinates for first equation. Sir, this is Suresh Ganwar University. Yes. Can I tell the answer? Yeah, sure, sir. The x value will be 5 by 3, y will be 1 by 3. No, sir. I think this is 8 by 3. 8 by 3. Yes, Sobha Sare Engineering College, Rajasthan. Shaheed Bhagat Singh Institute. Sir? Shaheed Bhagat Singh, Firozpur. Hello, sir? Shaheed Bhagat Singh, Firozpur. Sir, we are ready with solution, sir. Yeah, sure. It's 8 by 3, 1 by 3, sir. Optimum at, and it is open polygon. Okay. Optimum value, minimum value is 9.7, sir. 9.7 or 6, it's okay. Fine. Very good. Thank you. We are from RVR NJC Guntur, sir. Sure, man. Thank you. Shaheed Bhagat Singh, Firozpur. So we are trying. Okay. Yeah. You should try. Panipat Institute. Which reason 0,0 less than equal to 4? Is it true or false? True. It means this portion will lie. Second is 3,0, 0,3. Next is 2,0 and minus 1,0. Is it okay? So, what is the feasible reason? The third one is towards reason. For this? This one is towards reason. This reason? Towards the reason. And for this? Okay, so this is the reason. Okay? But we have to tell only minimum, we have to minimize the objective function. So we have only 3 points. Which one? This one? 0,3. And what is the coordinate of this point? This point? This point? 8 by 3? 8 by 3 and 1 by 3. And next is
One point is more for this calculation. This one. But this is not needed here, only this we have. 0.3, 8 by 3, and 1 by. So what is the answer? Minus 6, sir. Sorry? Minus six. 9.6. Minus six only. Which institute? Sobha Sri Engineering College. Sir, Sobha Sri Engineering College. Yes. At which point you are take? You are receiving minus 6 point. -1/3 and 3.3, sir. Sorry? Sir, I am starting from -2 and 0. Extreme point. No. See, we have to remain just in first quadrant, sir. Are you getting me or not? Yes, Sobha Sri Engineering College. Hello. Yes. Yes, sir. See, we need not to find the value of objective function at -2, 0 because -2, 0 lies in second quadrant. Yes, sir. So, but we have to remain in first quadrant, sir. Okay, sir. Because x, y is greater than equal to 0, na? Yes, sir. Last question. 0.3 value is 15. Here is 9.6. 0.4. 0.4. 20. Answer is. Okay. So if we have to solve this equation by isoprof method, so what we have to do first? Take LCM of 3 and 5. What is the LCM? 15. Okay, so starting to draw the lines, 3x plus 5 is 15, 3x plus 5 is 30, etc. So till we reach this point, see, in minimum case, important point is, in minimization problem, we have to remain nearest to the origin. Important point is, in maximization, by using isoprof method, we have to check the line which is farthest from the origin. But during minimization problem, we have to check the line which is nearest to the origin. Okay? So here we have to check this point, this line. Please see here. For minimization, this line is the minimum. This line has the minimum distance from the origin. Okay, if we do this question by isoprof method. Okay, thank you.